नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। जल झूलने एकादशी पर भगवान के दर्शन करने उमड़ा भक्तों का ज्वार, पालकी सवार होकर नगर भ्रमण और नौका विहार के लिए निकले चार बुजाना। गड़बोर में अबीर गुलाल के संग श्रद्धालुओं ने भगवान के साथ किया नगर भ्रमण। तेजादशमी पर तेजाजी चौक मंदिर में आया सांप। राला स्कूल में मनाया हिंदी दिवस। जल झूलने एकादशी पर मेवाड़ का ऐतिहासिक तीर्थस्थल कोटड़ी चार भुजानाथ को चांदी के बेवाड़ में विराजमान कर नगर भ्रमण कराया जा रहा है। इसके बाद मंदिर के निकट स्थित तालाब में ठाकुर जी जल विहार करेंगे। भ्रमण के दौरान भगवान चार भुजानाथ ने भक्तों के घर घर दस्तक दी तथा उनकी अगवानी के लिए पलक पावड़े बिछाकर तैयार श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा व अबीर गुलाल से अपने आराध्य का स्वागत किया। पेवाण यात्रा के दौरान ठाकुर जी 18 घंटे तक भक्तों के साथ ही रहेंगे। यह पहला मंदिर है जहां बेवाण में निज मूर्ति को विराजमान किया जाता है। भगवान श्री चार भुजानाथ का जल झूलन महोत्सव धीरे धीरे परवान चढ़ चुका है। भक्त लंबी दूरी तय कर प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक होने के लिए शनिवार सुबह तक चार भुजानाथ के दरबार में पहुंचे, जहां लंबी कतारों में लगकर अपने आराध्य के दर्शन किए और दोपहर बाद जब मंदिर से पालकी में सवार होकर भगवान चार भुजानाथ का बेवाण निकला तो चारों तरफ जयकारे गूंजने लगे। लोगों ने हाथी घोड़ा पालकी जय चार भुजानाथ आदि जयकारे लगाए। इससे पहले जल झूलन महोत्सव को लेकर भिलवाड़ा शहर सहित जिले व आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में पदयात्री समूह के रूप में डीजे ढोल के साथ नाचते गाते कोटड़ी पहुंचे। सुबह से ही मेवाड़ के प्रसिद्ध चार भुजानाथ के दर्शनों के लिए कतारें लगी थी। श्री चार भुजा मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सुदर्शन गाड़ोदिया ने बताया कि श्री चार भुजानाथ भक्तों के कंधों पर सवार होकर थरमाऊ तालाब की पाल पर पहुंच लबालब भरे सरोवर में डुबकी लगाएंगे। भगवान 18 घंटे तक भक्तों के कंधों पर सवार रहेंगे और नगर भ्रमण करेंगे। चारभुजा में मेवाड़ और मारवाड़ के साथ राज्य में प्रसिद्ध गड़बोर चारभुजानाथ के ऐतिहासिक धार्मिक जल झूलनी एकादशी मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। ठाकुर जी के बाल स्वरूप की शाही लवाजमे के साथ गुलाल उड़ाते हुए शोभा यात्रा निकाली गई। यहां मेवाड़ मारवाड़ से लेकर राज्य ही नहीं पूरे देश के दूर दराज के क्षेत्रों से प्रभु चारभुजानाथ के भक्त श्रद्धा के अनुसार पदयात्रा करते हुए एवं वाहनों आदि से यहां पहुंचे। मुख्य मेले के तहत शनिवार को प्रभु चारभुजानाथ की राजभोग आरती और भोग
धराए जाने के बाद दोपहर में शाही लवाजमे के साथ दूध लाई स्नान को प्रभु की प्रतिमा को बेवाड़ में विराजित कर शाही लवाजमे और शोभा यात्रा के साथ ले जाया गया। इस दौरान जयकारे लगाते और गुलाल उड़ाते हुए हजारों श्रद्धालु शोभा यात्रा में सहभागी बने। शोभा यात्रा में पुजारियों की ओर से उपयोग में लिए जाने वाले आयुध गोटे छड़ी सुपुर्द किए, जो शोभा यात्रा के साथ घनी खम्मा करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में बैंड, डीजे और ऊंट, घोड़े व हाथी भी शामिल थे। यूं तो जलझूलनी एकादशी पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सैकड़ों से लेकर हजारों किलोमीटर का सफर पैदल करके चारभुजा पहुंचते हैं, लेकिन इस बार एक श्रद्धालु मध्य प्रदेश से करीब 800 किलोमीटर दूरी को लोटन परिक्रमा करके पूरी करते हुए यहां पहुंचा और ठाकुर जी के दर्शन कर मन्नत पूरी की। इस बीच शुक्रवार पूरी रात से लेकर शनिवार को सुबह तक यहाँ श्रद्धालुओं के पहुँचने का क्रम जारी रहा। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल। अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप भीलवाड़ाहलचल.com। आपके विश्वास पर 9 साल से खरा, 10 लाख से अधिक लोगों तक पहुंच। आपके पास भी है कोई खबर व वीडियो तो भेजें। मोबाइल नंबर 7737741455। भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। शाहपुरा जिले के जहाजपुर कस्बे में जुलूस पर पथराव हो गया, इसके बाद जुलूस को रोक दिया गया। जलझूलनी एकादशी के मौके पर कस्बे के बाजार से जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान एक जगह पर नारेबाजी और पथराव के बाद माहौल गर्मा गया। अचानक हुई घटना से मौके पर भगदड़ मच गई। इसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने आरोपियों को गिरफ्तारी करने के बाद ही जुलूस को आगे निकालने की मांग की। पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रण में किया। दरअसल जाजपुर कस्बे में किले से जुलूस निकाला जा रहा था, इस दौरान एक जगह पर कुछ लोगों ने जुलूस पर अचानक पथराव कर दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधायक गोपीचंद मीणा मौके पर पहुंच गए। जुलूस को बाजार में ही रोक दिया गया और बाजार बंद कर दिया गया। जुलूस में शामिल लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की। विधायक गोपीचंद मीणा ने आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किए जाने तक जुलूस नहीं निकालने की चेतावनी दी। सूचना के बाद डिप्टी एसपी अजीत सिंह मेघवंशी, थाना प्रभारी नरपत राम बन्ना सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे। फिलहाल हालात नियंत्रण में है। जुलूस दोपहर करीब 3:15 बजे किले से निकला था। करीब 1 घंटे बाद शाम 4 बजे पीताम्बराय बाजार में पहुंचा। यहां एक जगह कुछ लोगों ने आवाज लगाई, ए रोको इसे। इसके बाद भगदड़ मची और नारेबाजी होने लगी। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। यह सब करीब 20 मिनट तक चला। तेजादशमी के पावन पर्व पर भीलवाड़ा के मुख्य तेजाजी चौक में तेजाजी के मंदिर पर आरती के समय मुख्य द्वार से काला नाग आया और जा बैठा मुख्य पाठ स्थान पर। इससे वहां मौजूद हजारों दर्शनार्थियों की भीड़ का कौतूहल का विषय बन गया। मंदिर पुजारी भोपा और मंदिर कमेटी ने नाग देवता की भी पूजा प्रारंभ कर दी। दर्शनार्थियों की भीड़ में से जागरूक व्यक्तियों की सूचना पर वन्यजीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत एवं छोटूलाल कोली पूर्व वनपाल आधे घंटे बाद मौके पर पहुंचे और वहां पर ब्लैक कोबरा सांप को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद वहां के भोपा पुजारी और कमेटी के सदस्यों द्वारा सांप को स्थान से नहीं ले जाने की बात पर अड़े। इस पर आस्था के केंद्र को देखते हुए वन्यजीव रक्षक कुलदीप सिंह राणावत व छोटूलाल कोली द्वारा समझाइश की गई और वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई। सूचना के आधार पर सुरक्षा हेतु मंदिर परिसर में 4 सुरक्षा गार्डो व वन्य जीव बचाव टीम के सदस्यों की ड्यूटी लगाई गई। जो ही मेला समाप्त होता है पुनः सांप को रेस्क्यू कर खुले जंगल में सुरक्षित छोड़ा जाएगा।
बाड़ा में छोड़ दीजिए। विज्ञापन के लिए संपर्क करें भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप यूट्यूब चैनल, संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129, भिलवाड़ा हलचल @gmail.com। प्रदेश के सुख समृद्धि एवं चहुमुखी विकास के लिए जल झूलने एकादशी के दिन राजस्थान जल महोत्सव 2024 के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को मेजा बांध पर किया गया। समारोह की शुरुआत विधायक अशोक कोठारी, जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला परिषद सीईओ चंद्रवान सिंह भाटी ने मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना करके की, जिसके पश्चात स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा प्रदेश में जल के महत्व को दर्शाते हुए समूह सांस्कृतिक लोक नृत्य आदि की प्रस्तुति दी गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, महिलाओं ने मंगल गीत गाए, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं तक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की, विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। समारोह में जिला कलेक्टर मेहता ने सभी को संबोधित करते हुए जल झूलनी एकादशी के दिन प्रदेश भर में हो रहे इस जल महोत्सव का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि राजस्थान प्रदेश में सदियों से जल को आराध्य माना गया है और जल को संजो के रखने तथा उसका सदुपयोग करने की प्रथा चली आ रही है। कलेक्टर ने कहा कि राजस्थान में जल महोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भिलवाड़ा में लगभग 250 से अधिक तालाब और बांध अपनी पूरी भराव क्षमता के आसपास आ चुके हैं या ओवरफ्लो कर रहे हैं, जो सभी के लिए खुशी की बात है। इस अवसर पर विधायक कोठारी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए पर्यावरण का ध्यान रखना अति आवश्यक है, क्योंकि जितना हम प्रकृति को देते हैं उससे कई गुना अधिक प्रकृति हमें लौटाती है। उन्होंने संबोधन के पश्चात सभी उपस्थित जन समूह को जल संरक्षण एवं वायु को दूषित नहीं करने के संबंध में प्रतिज्ञा दिलाई। जीवन के लिए पृथ्वी पर जीवन के लिए शुद्ध जल एवं वायु एक अनमोल प्राकृतिक संपदा है, और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अतः इनकी सतत उपलब्धता मेरा प्रथम धर्म एवं कर्म है। इसीलिए मैं अपने अंतर मन से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं स्वयं। जल झूलनी एकादशी पर अपने निज मंदिर से भगवान चारभुजानाथ भक्तों के बीच नगर भ्रमण के लिए निकले। बैंड बाजों और ऊंट घोड़ों के साथ चांदी के रथ में सवार होकर निकले भगवान का श्रद्धालुओं ने पर चढ़कर पूजा अर्चना करके पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसा ही भक्ति में नजारा दिखा भिलवाड़ा शहर से मात्र 15 किलोमीटर दूर पिथास ग्राम में, जहां ठाकुर जी के बेवार निकाले गए। पिथास ग्राम के सरपंच छोटू सिंह चुंडावत ने कहा कि जल झूलनी एकादशी पर यहां पर भगवान चारभुजानाथ का बेवाण निकाला जाता है। इससे पहले दशम के दिन रात्रि में भजन संध्या होती है। बेवाण में आसपास के गांवों से भी सैकड़ों श्रद्धालु दर्शनों के लिए यहां आते हैं। बेवाण में बैंड बाजों के साथ अखाड़ा प्रदर्शन भी किया जाता है। ग्रामीण बनवारी लाल पारिक ने बताया कि जल झूलनी महोत्सव पिछले 18 सालों से मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत मात्र 5,000 रुपए से की गई थी, जो अब करीब 4.5 लाख रुपए तक का बजट पहुंच गया है। भगवान चारभुजानाथ के बेवाण में आसपास के 40 किलोमीटर से श्रद्धालु यहां आते हैं। भिलवाड़ा जिले में यह महोत्सव तीसरे स्थान पर आता है। जल झूलनी एकादशी महोत्सव विगत 18 वर्षों से चल रहा है। इसकी जो प्रारंभ था 5,000 से जो स्टार्ट किया इसको बजट से, आज 4.5 लाख पे आ चुका है। और दो दिन का जो आयोजन होता है उसमें दशम के दिन विशाल भजन संध्या होती है, जिसमें कलाकार अपनी झांकियों सहित प्रस्तुति देते हैं। और 11 के दिन सेकंड डे लाइव
भजनों की प्रस्तुति है, उसमें भी चार पांच कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। उसके तो अंदर दशहरा के दिन रात को भजन संध्या होती है, सुबह में भी भजन संध्या होती है, अखाड़ा रहता है, इसमें डीजे रहता है। चार बजे जी के साथ पूरा गांव हर्ष उल्लास से गुलाल के साथ खेलते हुए धर्म तले को झूलने जाते हैं। ये कार्यक्रम विशाल रूप से 1800 साल चल रहा है। दसवीं के दिन रात्रि भजन संध्या होती है, जहाँ दिल्ली की विशेष झांकियां और चार पांच कलाकार जो विशेष रूप से जिनका नाम चलता है आस पास के इलाके में, उनको बुला के भजन संध्या का कार्यक्रम किया जाता है। इसके साथ ही सुबह हाथी घोड़े और मशक बाजा और अधिक तरह की झांकियां और मेले के रूप में इस भव्य त्योहार को हम मनाते हैं। कम खर्च बड़ा मुनाफा। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप bhilwarahalchal@gmail.com। संपर्क करें विजय गढ़वाल 6377364129। गुड़ला कस्बे के वार्ड नंबर 7 में स्थित वीर तेजाजी महाराज के स्थानक पर ग्रामीणों द्वारा तेजादशमी के अवसर पर 151 किलो दूध की खीर का प्रसाद बनाकर तेजाजी को भोग लगाकर भक्तों में प्रसाद वितरण किया गया। वहीं धर्म ध्वजा भी चढ़ाई गई। बजरीलाल माली की रिपोर्ट। श्रीराम सेवा संस्थान के तत्वावधान में भिलवाड़ा शहर में मेवाड़ के आस्था के केंद्र चारभुजानाथ बड़ा मंदिर पुराना भिलवाड़ा तक शहर में पहली बार पैदल यात्रा आयोजित की गई। बैंड बाजों के साथ झंडा लिए श्वेत वस्त्र में पुरुष एवं लाल चूंदड़ में महिलाएं भजन गाते नाचते झूमते चल रही थी, जिनका जगह जगह पर स्वागत सत्कार में पुष्प वर्षा की गई। मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने जानकारी देते हुए बताया कि सुभाष नगर राम मंदिर से पुराना शहर भिलवाड़ा स्थित बड़ा मंदिर की दूरी मात्र 3 किलोमीटर से पैदल यात्रा 2 घंटे में बड़ा मंदिर पहुंची। इसके बाद भगवान चारभुजानाथ के दर्शन कर पदयात्राओं ने चारभुजानाथ की ध्वजा चढ़ाई। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जयकारे के साथ परिक्रमा के बाद पदयात्रियों को उतारी हुई ध्वजा ट्रस्टियों द्वारा दी गई। इसके बाद सभी पदयात्रियों को प्रसाद वितरित किया गया। महावीर समदानी की रिपोर्ट। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायला में उपप्राचार्य प्रेम शंकर जोशी के मुख्य आतिथ्य कमल कुमार जोशी की अध्यक्षता में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। प्रभारी भंवरलाल तेली ने बताया कि हिंदी दिवस पर वाद विवाद, कविता पाठ, निबंध, पोस्टर, प्रश्नोत्तरी, सुलेख, श्रुतिलेख आदि प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।